नमस्कार फ्रेंड्स, आज हूँ सेप्टेम्बर पांच तारीख। आम जानू सेप्टेम्बर पांच तारीख भारत वर्ष गोटे गौरवर गौरवर दिन एवं अति जनाशुना सब प्रत्येक यूपी स्कूल ठू आरंभ कर कॉलेज पर्यंत समस्ते यही दिन को जानती। दिन की अति जनाशुना अटे। तो आम जानू पांच तारीख को गुरु दिवस भाव में जना जाए, टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे बोली जना जाए। तेणु मोर प्रत्येक गुरुजन गुरुजन मान को सर्वप्रथमे हैप्पी टीचर्स डे जनवाई चाहे। तो प्रिय बंधुगण, आम मैंने वीडियो माध्यम द्वारा गुरु दिवस विषय आम मैंने अल्प किसी विषय आलोचना करवा। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत दयाकोरी देखंतु, आपण मैंने निश्चित भाव किसी विषय सूचना पाइबे। तो सेप्टेम्बर पांच तारीख को गुरु दिवस भाव में पालन कराए, तेज कहीं कहार जन्मदिवस को एवं क्यों समय ठारु गुरु दिवस भाव में सेप्टेम्बर पांच तारीख को भारत वर्ष मध्य पालन कर आसुचु, यह आम मैंने आलोचना करवा। चलते डेरी नक भिडटी को आम मैंने आरंभ करवा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन माड्रास गोटे तीरतानी बोली सहर से 1888 मसीह जन्मग्रहण करते। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जे स्वामी विवेकानंद भाषण व शिक्षार प्ररचित हो निजर जीवन को से जे शिक्षकता भाव शिक्षक भाव से कार्य कले। से माड्रास से प्रेसिडेंसी कॉलेज रे जे प्रोफेसर भाव कार्य कले। केवल से नुह बंधुगण, से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जड़े भल भावनाशील व्यक्ति थे, चिंताशील व्यक्ति थे, भल लेखक थे। केवल से नुह उवन मसीह बासठी उवन मसीह उषठी वर्ष मध्य से भारत उपराष्ट्रपति भाव से कार्य कले। आउपे उषठी मसीहा समय रे से भारत जड़े राष्ट्रपति होते। ये शिक्षकता एवं प्रोफेशनल लाइफ एवं य प्रेसिडेंसी लाइफ रे मध्य से जितेबले से अनेक को विशेष भाव अनेक शिशु मान को से भल पाते, स्नेह करुले, आदर करुले। तेणु भारत सरकार जन्मदिवस को गुरु दिवस भाव पालन करने अनुमति मागिले। तेणु से दिन ठारू आज पर्यंत भारत वर्ष मध्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्मदिवस को प्रति वर्ष आम मैंने गुरु दिवस भाव पालन कर आसुअु। तेणु आम मैंने यह अल्प किसी विषय आम मैंने जानल कहीं भारत वर्ष मध्य गुरु दिवस सेप्टेम्बर पांच तारीख को गुरु दिवस भाव में पालन कराए, कहार दिन को कहार जन्मदिन को गुरु दिवस भाव में पालन कराए, क्यों दिन ठारू क्यों समय ठारू गुरु दिवस भारत वर्ष मैंने पालन कर आसीअु, ता आम मैंने ये वीडियो माध्यम द्वारा आम मैंने आलोचना कलु। वर्तमान आम मैंने आलोचना करवा ए गुरु दिवस विषय गुरु विषय आमर पवित्र बाइबल कौन कहे आम मैंने अल्प समय आलोचना करवा। लोक पुस्तक लोकलिखित सुसमाचार छ अध्याय चालीस अंश को आम मैंने देखा। शिष्य गुरु ठारु श्रेष्ठ नुहे, शिष्य गुरु ठारु श्रेष्ठ नुहे। तेणु आम मैंने ये गुरु दिवस विषय वाक्य कौन कहे, कौन शिक्षा दिए, से विषय पुणी आम मैंने आलोचना करवा। प्रिय बंधुगण, एठारे वाक्य कहे शिष्य गुरु ठारु श्रेष्ठ नुहे। यद्यपि अनेक समय प्रत्येक शिष्य मैंने गुरु ठारु से मैंने शिक्षा अर्जन लाभ करिथांती। तेणु ता पूर्व आम मैंने गोटे विषय जानवा आवश्यक, आम मानकर व्यक्तिगत जीवन में आम मानकर प्रथम गुरु किए, एहा मध्ये आम मैंने जानवा एवं सुनिश्चित स्पष्ट होगा आवश्यक। प्रिय भाई मैंने, आम मानकर प्रथम गुरु होंगे आम मानकर बापा माँ। जेहेतु आम मानकर जन्म अवस्था समय ठारु आम मानकर चलिबा कथा हेबा लुगा पिंधिबा सब किसी विषय प्रति समय आम मानकर से
बाल्य काल ठारु शैशव वयस पर्यंत जौवन अवस्था पर्यंत सेमाने ही आम्हानंकर गुरु अटंती सेमाने ही होछंती आम्हानंकर प्रथम गुरु। आज जदि आम्हे माने ए सुस्थ शरीर भल अंग हे अछु एहा आम्हानंकर से प्रथम गुरु बापा मामानंकर स्नेह आदर भल पाइबा सकाश। तेणु जदिबी आम्भे मैंने प्रति वर्ष स्कूल रे कॉलेज रे अनेक अनुष्ठान रे आम्भे मैंने गुरु मानको सम्मान करू सेमानको सम्मानित करी थाओ ता पूर्वरु आम्भे मैंने जानिबा आवश्यक निज हृदय रे आमानकर विवेक को एई आज्ञा बा चिंता आसीबा आवश्यक जे मोर प्रथम गुरु आम्हानकर पिता माता। तेणु प्रिय बंधुगण आम्हानकर पिता माता होछन्ति आम्हानकर प्रथम गुरु। वर्तमान आम्भे मैंने आलोचना करिबा ए वाक्य मध्य ए वाक्य द्वारा प्रिय डियर माय फ्रेंड्स आम्भे मैंने आलोचना कलु शिष्य गुरु ठारु श्रेष्ठ नुहे एहा किपरि संभव बा एहा किपरि यथार्थ एहा आम्भे मैंने आलोचना करा। वास्तव रे शिष्य केबे मध्य गुरुक ठारु श्रेष्ठ हेइ पारे नहीं हुए तो से गुरुक ठारु अर्जन करिथिबा शिष्य दिन बड़ मनीष हो पार बड़ पोजिशन पारे बड़ धनी हो पारे बड़ अनेक किसी हासिल करें तथापि से सब बड़े गुरु सम्मुखें से शिष्य ही रही गुरु से श्रेष्ठ हो पारे ना। तेणु यह आम मैंने आलोचना करवा जानवा आवश्यक जदि आज आम्भे मैंने समाज मध्य आम्भे मैंने गोटे बड़ लोक हो धनी लोक भल शिक्षित लोक हो भल ज्ञानी ही था सबकि हासिल कर सबकि जीवन थे सबकि थे तथापि आम्भे मैंने बयस बड़ हो बयस सान हो तथापि आम्भे मैंने सब बड़े आम गुरु मान मन पकेबा आवश्यक से मानकर अनुप्राणित हो चलिबा आवश्यक से मानकर आम केबे मध्य श्रेष्ठ बा महान बड़ हो पारा ना। तेणु आम्भे मैंने केवल मुझे जनवाई चाहे सब बड़े आम गुरु मान अनुप्राणित हो चल आवश्यक गुरु मान को मन पकेबा गुरु मान गुरु मान को सम्मान करवा आवश्यक। डियर माय फ्रेंड्स से मध्य जीशु ख्रीष्ट होंगे आम गुरु जीशु ठार कहती शिष्य गुरु ठारे श्रेष्ठ नुह जितने जीशु विषय आलोचना करवा जीशु शिष्य मान को अर्थात शिशु मान को बहुत प्रेम करुले जितेबले मथ्यु उन्नीस अध्याय से तेर रु पंदर पद को जो आम देखा जो कि शिशु मैंने जीशु निकट को आसुच्चे मथ्यु उन्नीस अध्याय तेर रु पंदर पद से जीशु जेपरी शिशु मानक हाथ थी प्रार्थना करती से निकट को अणगले मात्र शिष्य मैंने आणुवा लोक मान धमक दे तो पर कि लोक मैंने कि बापा माँ मैंने जीशु निकट को निजर पा आणती से समय शिष्य मैंने पा अर्थात से भाव अभिभावक मान को धमक दौरान से समय जीशु कौन कहते आम देखा चौदह पदर जीशु कहते जीशु कहले शिशु मान को छाड़ दि से मो निकट को आसवाक मना करना कारण स्वर्गराज ए प्रकार लोक मानकर जे आम मैंने अल्प समय पूर्व आलोचना कलु डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पिला बहुत भाव प्रेम कर स्नेह आदर कर भारत सरकार ताहांको अनुरोध कले जन्म दिवस को गुरु दिवस भाव पालन कराओ एछार आम मैंने जानू बा देखा पाई जीशु शिशु मान पा ए प्रकार भाव प्रेम करुले आदर करुले जितेबले से निकट को अणगला शिष्य मैंने बारण करुले मना करुले कि जीशु से छाड़क सुजोग कौंट से ही शिशु मैंने मो निकट को आसतु शिशु मान मो निकट को आसवाक छाड़ दि कारण शिशु मानते सचट पवित्र से माने पाप कौन से जाणिना तेणु प्रभु से कहते ये पा मो निकट को छाड़ दि कारण जीशु से प्रेम कले जीशु से आदर कले जीशु से बहुत भल पाते।
ଆଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣୁ ବାଇବଲରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆମକୁ ଯୀଶୁ ଶିଖେଇଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅ, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପରି ସଚେତ ହେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଗୁରୁ, ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାଷ୍ଟର, ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟର ଶିକ୍ଷାଦାତା, ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ମୁଖ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଟ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଓ ଟିଚର୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମନେ ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ବା ଆଜି ଏହି ପୋଜିସନ୍ରେ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ବି ଆମ୍ଭେମାନେ ଥାଉ, ତାହା କେବଳ ଯୀଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଯୀଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଟ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।